गुड आफ्टरनून क्लास स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को क्लास थर्ड पर्यावरण की रक्षा पढ़ाएंगे। क्लास थर्ड लेसन 9, लेसन नेम है पर्यावरण की रक्षा। ठीक, रक्षा करना किसी की हिफाजत करना। आप सुगंध को पसंद करेंगे या दुर्गंध को? सुगंध मतलब अच्छी महक, और दुर्गंध बुरी महक। जहाँ कोई चीज़ सड़ती है तो बुरी महक आता है ना, बदबू आ रही है, और अच्छी महक आती है तो सुगंध होती है। आप स्वच्छ मार्ग पर चलना पसंद करेंगे या गंदगी भरे मार्ग पर? कौन सा मार्ग अच्छा लगेगा आपको? अच्छा, स्वच्छ मार्ग अच्छा लगेगा ना। गंदगी किस प्रकार फैलती है? बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। हमें अपने पर्यावरण के प्रति कैसे भाव रखने चाहिए? हमें क्या करना चाहिए हमारा पर्यावरण स्वच्छ व स्वस्थ रहे? हमको क्या करना चाहिए कि पर्यावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहे? देखिए स्टूडेंट, आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, देखिए टीचर पढ़ा रही हैं, बच्चे बैठे हैं, बोर्ड पे लिखा है पर्यावरण। ठीक, अध्यापिका, अध्यापिका में टीचर, शिक्षिका। बच्चा, क्या आपने पर्यावरण शब्द सुना है? सभी छात्र हाथ उठाकर, जी दीदी। अध्यापिका, क्या आप जानते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं? सभी बच्चे चुप रहे, किसी को मालूम नहीं था, सब चुप रहे कि पर्यावरण किसे कहते हैं, ये नहीं मालूम था। अध्यापिका, जो भी हमारे चारों ओर होता है वही हमारा पर्यावरण, जो हमारे चारों ओर होता है वह हमारा पर्यावरण कहलाता है। दीपक, दीदी हमारे चारों ओर हवा होती है? अध्यापिका, हाँ वह हमारे पर्यावरण का बड़ा भाग है। नेहा, दीदी हम जहाँ भी जाएं वहाँ जो कुछ हमारे चारों ओर, जो जहाँ भी जाएं वहाँ जो कुछ हमारे चारों ओर हो हमारा पर्यावरण होता है। दीवारें, विद्यालय के चारों ओर की हरियाली, विद्यालय की फुलवारी आदि हमारे पर्यावरण में सम्मिलित हैं। किसने पूछा? नेहा ने पूछा मैडम से। राघव, परंतु दीदी जब हम घर जाते हैं तो मार्ग में अनेक स्थानों पर गंदगी और धुआं रहता है। अध्यापिका, हाँ वह भी पर्यावरण का भाग है। दिनेश, दीदी जब मैं राहुल के घर जाता हूँ तब नाले की तीखी दुर्गंध से गुजरना पड़ता है, और जब पार्क में सैर को जाते हैं तो वहाँ फूलों की सुगंध होती है। अध्यापिका, हाँ तुम ठीक कहते हो, देखो हम जहाँ भी रहते हैं वह हमारा पर्यावरण है होता है। यदि हमारा पर्यावरण स्वस्थ है तो हम स्वस्थ अनुभव करेंगे, और पर्यावरण अस्वस्थ है तो हम अस्वस्थ अनुभव करते हैं। जब कोई वस्तु सड़ती है तो वह पर्यावरण में दुर्गंध फैलाती है। ऐसे नाले, नालियाँ जिसमें कीचड़ भरा रहता है, पानी बहता कम और रुकता अधिक है, वहाँ सड़न होने लगती है, जिससे अनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणु जन्म लेते हैं। दुर्गंध फैलती है और जीवाणुओं से बीमारियाँ फैलती हैं। अभिनव, दीदी पॉलिथीन की थैलियाँ नालियों में बहाने से भी एक स्थान पर जमा होकर पानी बहने से रोकती हैं, और दूर तक पानी रुकने से उसमें कीचड़ जमा होता रहता है। अध्यापिका, हाँ इससे हमारा पर्यावरण दूषित होता है, मतलब गंदा होता है। अभिनव, दीदी मेरे भैया ने बताया था कि खुले नाले के समीप खाद्य सामग्री बेचने वालों से कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए, उन वस्तुओं पर नाले से जीवाणु आकर बैठ जाते हैं। अध्यापिका, बिल्कुल ठीक। टीचर बोली कि बिल्कुल ठीक, ये जीवाणु खाद्य वस्तुओं के साथ हमारे पेट में जाकर बीमारी फैलाते हैं। चंदन, दीदी मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि अध्यापिका बिल्कुल ठीक ये जीवाणु खाद्य वस्तुओं के साथ हमारे पेट में जाकर
बीमारी फैलाते हैं, मतलब हम बीमार हो जाते हैं जब गंदी चीज़ खाएंगे तो। चंदन दीदी, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि नए कलेक्टर साहब ने पॉलीथीन पर रोक लगा दी, कि जो नए कलेक्टर आए उन्होंने पॉलीथीन पर रोक लगा दी है कि पॉलीथीन का यूज़ नहीं होगा, पर उन फिर भी लोग सारा सामान पॉलीथीन में ही लेकर जाते हैं। अध्यापिका, हाँ चंदन, हम अत्यधिक सुविधाएं तो चाहते हैं परंतु नियमों के पालन के में पीछे रहते हैं और पर्यावरण की हानि करते रहते हैं। भाई जब हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम पर्यावरण की हानि करेंगे। रहमत, दीदी पर्यावरण साफ स्वच्छ रहे इसके लिए क्या करना चाहिए? अध्यापिका, जब सभी लोग पर्यावरण स्वच्छता के प्रति अपना कर्तव्य समझेंगे, टीचर कह रही हैं कि जब सारे लोग पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति अपना कर्तव्य समझेंगे तभी यह संभव हो सकेगा। अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा रखना होगा। जब सभी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो सभी स्थान साफ सुथरे रहेंगे और पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। यदि लोग नाले नालियों में कूड़ा डालेंगे, पॉलीथीन डालेंगे, तो बहकर जाने वाली गंदगी रुकी रहेगी, क्योंकि जब पॉलीथीन वहां जाके जाम हो जाएगी तो गंदगी बह नहीं पाएगी, पानी बह नहीं पाएगा और जम जाएगा। वह सड़ेगी और वातावरण में दुर्गंध फैलाएगी। जब कोई चीज सड़ती तो बड़ी बुरी बदबू आती है ना, उसी को दुर्गंध कहते हैं, कहते बड़ी बुरी बदबू आ रही है, तो वही दुर्गंध कहलाती है, दुर्गंध फैलाएगी। इससे सभी जन प्रभावित होंगे, समझे आप लोग? मैडम ने, टीचर ने समझाया कि इससे सभी लोग प्रभावित होंगे, आप लोग को समझ में आया? सभी बच्चे, जी दीदी। अध्यापिका, क्या समझे? सभी बच्चे, हम सभी प्रकार से सफाई का ध्यान रखेंगे। हम अपने विद्यालय और घर के आसपास स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। हम वहाँ सभी अंकल आंटी से कहेंगे कि वे भी स्वच्छता के प्रति जागरूक रहकर पर्यावरण स्वच्छ रखें, पर्यावरण की रक्षा करें। अध्यापिका, शाबाश। देखिए ये क्या लिखा है, शब्दार्थ लिखा है ना बेटे। अब हम लोग ने लेसन रीडिंग की, अब हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे। मैं पढ़ाऊंगी, आप बोलेंगे मेरे साथ, उसके बाद पीडीएफ से निकाल के आप कॉपी में कंप्लीट करेंगे, फिर कॉपी चेक करवाएंगे। तीखी तेज गंध जो अच्छी ना लगती हो, दुर्गंध बदबू, सुगंध खुशबू, अनुभव करना महसूस करना, सड़न किसी वस्तु का सड़ना, हानिकारक नुकसान पहुंचाने वाले खाद्य खाने योग्य। अब देखिए क्या लिखा है, अभ्यास कार्य लिखा है ना, आप लोग अभ्यास कार्य पढ़ेंगे बेटा। का सही विकल्प के सामने आगे सही लगाइए। नंबर वन, पर्यावरण स्वच्छ होगा तो जीवन अस्वस्थ होगा, अस्वस्थ होगा थोड़ा स्वस्थ होगा नहीं, स्वच्छ होगा। आ में टिक लगाइए, स्वच्छ होगा। सेकंड नंबर, इनकी क्रियाओं से पर्यावरण दूषित होता है। पशु मनुष्य पक्षी, मनुष्य, हम मनुष्य तो पर्यावरण को दूषित करते हैं, कोई गंदगी फैलाता है, कोई धुआं फैलाता है, गंदगी होती है, कूड़ा सड़ता है, नाले नाले में बदबू आती, तो हम ये तो गंदगी फैलाते हैं, तो क्या है, मनुष्य में टिक लगाइए। थर्ड, पर्यावरण प्रदूषण से हानि होती है मनुष्य को, पशु पक्षियों को, सभी प्राणियों को, भाई सभी को हानि होती है ना, तो सामने टिक लगाइए। फोर नंबर, नाली में फेंके जाने वाला कूड़ा व पॉलीथीन की थैलियाँ प्रदूषण रोकती हैं व प्रदूषण फैलाती हैं, सा पर्यावरण के मित्र हैं, बा में टिक लगाइए, प्रदूषण फैलाती हैं। खा नंबर है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान में, देखिए यहाँ शब्द लिखे ना, ये दीवारें लिखा है, हवा लिखा है, हमारे चारों ओर होती है हवा, यहाँ हवा भरेंगे। सेकंड नंबर, गंदगी और धुआं पर्यावरण के की डैश है,
शत्रु मित्र क्या है, शत्रु, यहाँ शत्रु भरेंगे, देखिए लिखिए ना शत्रु, पूरी एक्सरसाइज बेटा पेंसिल से करेंगे बुक में, ठीक। थर्ड नंबर, यदि हमारा पर्यावरण स्वच्छ है तो हम डैश अनुभव करेंगे स्वस्थ, यहाँ ये स्वस्थ भरिए स्वस्थ, यदि हमारा पर्यावरण स्वच्छ है तो हम स्वस्थ अनुभव करेंगे। फोर्थ नंबर, पॉलीथीन, फोर्थ नंबर, पॉलीथीन की थैलियाँ पर्यावरण में प्रदूषण डैश फैलाती, सॉरी प्रदूषण डैश हैं, क्या है, फैलाती हैं, पॉलीथीन की थैलियाँ पर्यावरण में प्रदूषण फैलाती हैं। ग नंबर, सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत लगाइए। नंबर वन, जो कुछ भी हमारे चारों ओर पाया जाता है वह हमारा पर्यावरण होता है, सही। कोई वस्तु सड़ती है तो पर्यावरण में दुर्गंध फैलती है, जो पर्यावरण की शत्रु है, सही। थर्ड नंबर, नाले नालियों में कीचड़ जमा होने व बहता पानी रुकने से पर्यावरण दूषित होता है, सही। फोर्थ नंबर, नाले नालियों के समीप बेची जाने वाली खाद्य सामग्री प्रदूषण से प्रभावित रहती, सही, इसलिए इसे नहीं खाना चाहिए, इसलिए उसे नहीं खाना चाहिए। फाइव नंबर, प्रदूषण से बचने हेतु सभी को अपने चारों ओर स्वच्छता रखनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए, स्वच्छता, सही। ख नंबर, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए, खाद्य वस्तुएं, सुविधाएं, थैलियां, दुर्गंध, प्रभावित, जागरूक। देखिए स्टूडेंट, अंगा नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पीडीएफ में मिलेंगे, आप पीडीएफ से निकाल के कॉपी में कंप्लीट करिएगा और क्वेश्चन आंसर लर्न करिएगा, ठीक। चार नंबर, रेखा खींचकर परस्पर संबंध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए, मतलब मैच करना, जो मैचिंग कहते हैं ना। नंबर वन, जो भी हमारे चारों ओर होता है वह हमारा पर्यावरण कहलाता है। नंबर वन को द से मैच करिए, ऐसे। सेकंड, दूषित पर्यावरण हमें अस्वस्थ करता है, सेकंड नंबर को या से मैच करिए। थर्ड, स्वच्छ पर्यावरण में हम स्वच्छ पर्यावरण में हम स्वस्थ रह पाते हैं, थर्ड नंबर को आ से मैच करिए, ऐसे। फोर्थ, रुके हुए नालों में सड़न फैलती है, फोर्थ नंबर को बा से मैच करिए। फाइव नंबर, पर्यावरण स्वच्छता के प्रति हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, फाइव नंबर को सा से मैच करिए। अब देखिए भाषा व्याकरण, ये लिखा है ना भाषा व्याकरण, का नंबर, इनके अर्थ देखिए, स्वच्छ का साफ, दुर्गंध बदबू, सुगंध खुशबू मतलब अच्छी महक, हानि नुकसान, खा, इनके दो दो पर्यायवाची लिखिए, हवा का वायु समीर, हवा के दो पर्यायवाची हो गए वायु समीर, फूल का पुष्प सुमन। ग नंबर, परस्पर विलोमार्थी शब्दों का सुमेल कीजिए व रिक्त स्थानों पर उचित विलोम शब्द लिखिए। नंबर वन, जैसे सुगंध शुद्ध है ना, साफ सुथरा होगा, सुगंध स्वच्छ माने साफ, यह आपका होमवर्क है, यह आपको कंप्लीट करना है बेटा, ठीक। बुक में इसको आप कंप्लीट करेंगे और मैं आपका होमवर्क चेक करूंगी, बुक में एक्सरसाइज होमवर्क सब आपको पेंसिल से करना है, ठीक, ये पूरा आप पेंसिल से करेंगे। ये भी बेटा आपका होमवर्क है, आपको ये कंप्लीट करना है। देखिए चार नंबर देख रहे हैं, इन शब्दों में कुछ नए कुछ लगने से छूट गया है, सोचकर जोड़िए और शब्द बनाइए। देखिए जैसे ये पर्यावरण था, इसमें आधा लगा तो ये क्या होगा पर्यावरण, तो यहाँ आप देखें इसको रा लगा के लिखेंगे पर्या
वरण, समझ गए ना? यही जो अधूरा है, अब जैसे विद्यालय था, वा में छोटी की मात्रा आई तो क्या हुआ? विद्यालय। ये आपका होमवर्क, ये पूरा आपको कंप्लीट करना है बेटे, ओके? कौशल और योग्यता, सोच कर बताइए। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक यंत्रों और मानवीय क्रियाओं को प्रदूषण फैलाते हुए देखते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, जिनमें जिनसे प्रदूषण फैलता है उन पर टिक, तथा जिनसे प्रदूषण नहीं फैलता है उन पर गलत लगाइए। जिनसे प्रदूषण फैलता है उन पर टिक लगाइए, जिनसे नहीं फैलता है उन पर गलत कर लगाइए। किससे प्रदूषण नहीं फैलता है? बुक से, इससे, पेड़ से नहीं फैलता है प्रदूषण। जिससे प्रदूषण फैलता है उन पर टिक लगाइए। ये देखिए, गंदगी डालने से प्रदूषण फैलेगा ना? ये आपका होमवर्क, ये आपको कंप्लीट करना, मैंने आपको बताया है, इसी ढंग से आपको करना है बेटा। ख, अपने घरों के चाय घरों में छायादार वृक्ष का एक पौधा अथवा गमलों में पौधे लगाइए। उन्हें प्रतिदिन सींचिए और देखिए उनमें विकास की दृष्टि से क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वे प्रदूषण की दृष्टि से क्या महत्व रखते हैं, इससे कक्षा को परिचित करवाइए। ग, पता लगाकर कक्षा को बताइए। यदि पर्यावरण प्रदूषण अपनी वर्तमान गति से बढ़ता रहा तो आने वाले समय में प्राणियों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा व इसके हेतु क्या सावधानियां व रोकथाम के उपाय करने होंगे, सोच कर बताइए। आपका होमवर्क, आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है, ओके बेटा? स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने बुक पढ़ी ना, अब हम लोग कॉपी वर्क करेंगे। पर्यावरण की रक्षा, कठिन शब्द, अब हम बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, उसके बाद आप लोग पीडीएफ से निकाल के कॉपी में कंप्लीट करेंगे इसको। बोलिए, फुलवारी, पर्यावरण, फुलवारी, हरियाली सम्मिलित। देखिए, हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं हार्डवर्ड और ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तो आज हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। दुर्गंध, जिम्मेदारी, फैलाएगी अंकल। धुआं, अस्वस्थ खाद्य वस्तुओं सामग्री, अत्यधिक कर्तव्य स्वच्छ। पड़ोस, देखिए स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने लेसन 9 पर्यावरण की रक्षा के हार्डवर्ड पढ़े थे, आप लोग पढ़ेंगे शब्द अर्थ। ये क्या लिखा है? शब्द अर्थ, तीखी तेज गंधों, तेज गंध जो अच्छी ना लगती है, जब बुरी गंध आती है तो अच्छी नहीं लगती है ना, तो तीखी मतलब तेज गंध जो अच्छी ना लगती है। दुर्गंध बदबू, सुगंध खुशबू मतलब अच्छी महक, अनुभव करना महसूस करना। सड़न, किसी वस्तु का सड़ना। ओके स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने लेसन 9 के वर्ड मीनिंग हार्ड वर्ड पढ़े, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। आप ऐसे हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे पर्यावरण की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? आंसर, पर्यावरण से यह अभिप्राय है कि जो भी हमारे चारों ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है? आंसर, यदि हमारा पर्यावरण स्वस्थ है हम स्वस्थ अनुभव करते हैं, और यदि पर्यावरण अस्वस्थ है तो हम अस्वस्थ अनुभव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पॉलीथीन की थैलियां पर्यावरण की शत्रु क्यों मानी जाती हैं? आंसर, पॉलीथीन की थैलियां नालियों में बहाने से वे एक स्थान पर जमा होकर पानी बहने से रोकती हैं, और दूर दूर तक पानी रुकने से उसमें जमा होता रहता, जमा होते रहना मतलब एकत्र होना, इकट्ठा होना। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण के प्रति जागरूक होना क्यों आवश्यक है, मतलब जरूरी है? आंसर, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए,
भाई पर्यावरण का जागरूक होना क्यों आवश्यक है? पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, ठीक। दूसरा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, सब लोगों का पर्यावरण के प्रति क्या कर्तव्य है? आंसर, पर्यावरण स्वच्छता के प्रति हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। स्टूडेंट, आपको समझ में आया सारे क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड? आप PDF से निकाल के कॉपी में कंप्लीट करेंगे, कॉपी नीट एंड क्लीन होगी, ब्लैक जेल पेन से हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे और लर्न करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आपका होमवर्क है वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड, क्वेश्चन आंसर सब लर्न करना है, आपसे सुना जाएगा और कॉपी सबमिट करेगा, आपकी कॉपी चेक की जाएगी। थैंक यू योर क्लास।